हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है अभी फर्स्ट नवरात्रे की ही इवनिंग की, और अभी शाम के बज रहे हैं यहाँ पर 5, शाम के 5 बजे। मैं मतलब झाड़ू निकाल रही हूँ अभी, पहले रूम से निकाल के लाई और अभी मैं किचन में आ गई हूँ उसके बाहर। तो अभी मतलब थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, वैसे तो झाड़ू पोछा लग चुका था सुबह भी और दोपहर में भी, तो अभी शाम के टाइम मतलब एक बार झाड़ू और लग जाएगी ना, तो फिर बाहर से चप्पल जूते लेके आते रहते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा मिट्टी वगैरह हो जाती है मतलब। और अभी थोड़ा मुझे नंगे पैरों भी घूमना पड़ता है क्योंकि जोत जल रही है, तो स्लीपर वगैरह नहीं पहन के रखती पूरा दिन। तो अभी झाड़ू वाड़ू सब हो गई थी मेरा, और ये मैं सुबह जो सब्जियाँ लेके आई थी वो अभी तक ऐसे ही रखी थी, तो अभी मैं इनको शाम को धुल के रख रही हूँ। ये इधर मैंने मतलब सारी सब्जियाँ धुल के अलग अलग कर दी, फिर जैसे इनका पानी निकल जाएगा फिर उसके बाद मैं इनको फ्रिज में लगा दूंगी। इधर मैंने ये धनिया भी धुल के रख दिया, और इधर अभी शाम के खाने के लिए मतलब मैंने ये दही जमा के रख दी थी, और ये था जो कुट्टू लेके आई थी मैं, ये 2 किलो कुट्टू है और ये पूरे हफ्ते के लिए है। मतलब इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, बच्चे भी खाएंगे साथ में, क्योंकि बच्चे अभी पूरे नवरात्रि शाम के खाने में मतलब कुट्टू ही खाते हैं मेरे साथ साथ। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस सारे कुट्टू को एक साथ मतलब छान के और अलग से एक डब्बे में इकट्ठा कर लूँगी सारे को, क्योंकि फिर वो रोज़ रोज़ का छानने का झंझट ख़त्म। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि छन्नी हमारी कभी आटे की हुई रहती है, गलती से भी लग जाए मतलब, तो फिर इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सारे कुट्टू को एक साथ ही मतलब इकट्ठा छान लूँगी और इसको एक अलग मतलब बड़े से डब्बे में करके रख दूँगी। फिर अपना जितना डेली चाहिए होता है फिर इतना निकाल ले उसमें से, और बाकी जो मैं मतलब आटा लगाने के लिए रखती हूँ उसको फिर मैं जो बचता है उसको अलग डब्बे में इकट्ठा करती रहती हूँ। फिर सारा लास्ट में आगे उसको सारे को फिर एक साथ छान लेती हूँ जो बचता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ना टुकड़े वगैरह चले जाते हैं जो जब हम ये पराठे वगैरह पूरी वगैरह बनाते हैं। तो अभी मैंने सारा कुट्टू मतलब छान लिया है, और अब इसको मैं, ये बड़ा डब्बा है मेरे पास तो मैं इसमें एक साथ इकट्ठा डाल के रख दूंगी इसको, और जितना मुझे ज़रूरत होगा डेली यूज़ में मतलब डेली पर्पज़ के लिए जब खाना बनेगा शाम में तब इतना ही मतलब इसमें से निकाल लूँगी। तो इस तरह मुझे आसानी लगती है थोड़ा ये, नहीं तो रोज़ छानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर थोड़ा डर बस इसी लिए लगता है ना कि कभी आटे वाटे के हाथ ना लग जाए, छन्नी जो है मतलब आटे में भी होती है तो कहीं गेहूँ के आटे के हाथ ना लग जाए। अभी मैंने यहाँ बाकी सारा तो इसमें डाल दिया, और जो शाम में बनेगा वो मैंने मतलब इसी में छोड़ दिया प्रांत में ही। अब इसको मैं मतलब साफ़ करके ना साइड रख दूंगी, और इधर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये थोड़ा बड़े साइज़ के आलू हैं तो मुझे ये काट के रखूँगी, नहीं तो फिर तो क्या होता है ना कि अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं, और तो इसलिए मैं जो बड़े साइज़ के आलू होते हैं उनको बीच से काट के, और छोटे आलू ऐसे ही। तो अब ये आलू हो गए थे थोड़े ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इसलिए बॉयल थे कि कुछ आटे में मिलाए मिलेंगे और कुछ की मतलब सब्जी बन जाएगी, और कुछ थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी थे कि ये हस्बैंड के लिए भी मतलब मैं ये जीरे वाले आलू ही बनाऊँगी आज खाने में, जो हम अपने लिए व्रत के बनाते हैं। तो इधर मैंने फिर इनको बड़े कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया, ये वो 2 लीटर का था ये 3 लीटर वाला है, और इसकी मतलब ये तली वगैरह साफ़ करके, क्योंकि मुझे इंडक्शन पे रखना है तो ये गिल्ली हुई रहती है ना, इसमें इंडक्शन बॉटम के कारण इसमें छेद छेद होते हैं तो उनमें पानी रुक जाता है, तो फिर ये इंडक्शन पे जैसे हम रखते हैं ना चलाते हैं तो चरड़ चरड़ की आवाज़ें करता है, तो इसलिए मैं पहले इसको एक कपड़े से पोंछ के फिर उसके इंडक्शन के ऊपर रखती हूँ। और अब मैं इतना मेरे आलू बॉयल होंगे, और मैंने जो ये कल घी रखा था मतलब इसको पिघाल के इसमें पानी डाल के और फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो ये मैं अगले दिन मतलब कल मेरा टाइम नहीं लगा था इसको निकालने का, तो मैं इसको आज निकाल रही हूँ। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया था फ्रिज से, और इसमें एक वही जैसे ये मैं करती हूँ हर बार की मतलब उसमें एक छेद बनाया, और उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सब मतलब निकाल लूँगी एक अलग से भगोने में, और जो इसमें बचेगा वो सिर्फ मक्खन बचेगा। थोड़ा बहुत घी मतलब इसमें भी आ जाता है, जो ये हम पानी निकालते हैं ना तो थोड़ा बहुत घी इसमें भी आ जाता है, फिर हम उसको हाथों से मतलब निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा बर्फ़ जमी रहती है ना, तो इससे थोड़ा बहुत घी, ज़्यादा तो नहीं आता पर हाँ थोड़ा बहुत जितना भी आता है उसको फिर मैं हाथों से मतलब निकाल के उसी में वापस कर देती हूँ। तो अभी मैंने इसका यहाँ पे सारा पानी मतलब निकाल लिया है एक दूसरे भगोने में, अब जो इसमें थोड़ा बहुत घी आया होगा उसको मैं हाथों से ऐसे दबा के इसमें, क्योंकि जो बर्फ़ होती है कि थोड़ी बहुत आइस उससे पानी निकलता है ना, तो उसको सारा निकाल के इसमें कर लूँगी। और अभी मैंने इधर ये इंडक्शन पे रख दिया है, अभी ये मतलब पहले इसको मैं फुल फ्लेम पे गरम करूँगी तब जब तक ये पिघल ना जाए पूरा,
और उसके बाद जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है, फिर उसके बाद इसकी लो फ्लेम जैसे इंडक्शन पे है तो 300 पे करके छोड़ दूंगी, और ये धीरे धीरे अपने आप 10 मिनट में निकल जाएगा, घी अलग हो जाएगा और जो इसका वो बचा कुचा जो होता है वो अलग हो जाएगा। तो इधर मेरे आलू भी बॉयल हो चुके थे, अब मैं इनको मतलब छील रही हूँ इधर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया और शाम को फिर वही है, खाने का भी टाइम होता है, अभी दूसरा भी खाना बनाना है, अपना भी बनाना है व्रत का, और थोड़ा ज़्यादा लेट खाना भी नहीं चाहिए व्रत का खाना, क्योंकि ज़्यादा लेट खाते हैं ना तो कुट वगैरह खा के ये पानी ज़्यादा पिया जाता है तो फिर मतलब परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इधर मतलब मैं ये आलू छील के सारे उसमें आटे में भी मिलाने हैं, इसमें से मुझे कुछ और कुछ के मैं मतलब जीरे वाले आलू भून लूँगी। तो अब यहाँ पे मेरे आलू वालू सब छिल गए, और इधर मैंने इसमें एक फ्राई पैन में जो घी डाल के थोड़ा सा उसमें जीरा भून लिया है, और अब इसमें जो मेरे आलू थे मतलब मैंने इसमें ये डाल दिए, और कुछ आलू मैंने उसके लिए रख दिए हैं जो आटे में मिक्स करने थे मुझे कुट्टू के आटे में, क्योंकि अगर हम उसमें आलू नहीं मिक्स करते ना तो क्या होता है ना कि इसकी हार्ड बनती हैं, फिर वो जो हम पूरी पराठे वगैरह जो भी बनाएंगे वो हार्ड बनते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ जीरे का छोंक लगा के और ये गरम मसाला और जीरा जो मैंने है मतलब अलग डब्बे से ही लिया है, जो हमारी मसालेदानी होती है उसमें से नहीं लिया, क्योंकि उसमें हल्दी वगैरह सौंफ धनिया वगैरह होते हैं ना, तो मैंने उसमें से ना लेके इनको मतलब अलग से जो डब्बे में रखते हैं हम अपना एक्स्ट्रा ज़्यादा वाला, तो वहाँ से लिया है। और ये नमक सेंधा नमक, ये हम घर में भी वैसे भी परमानेंट मतलब सेंधा ही नमक यूज़ करते हैं, ये टाटा वगैरह के नमक नहीं, और ये सेंधा नमक यूज़ ही होता है हमारे घर में डेली में भी, तो सेंधा नमक इसमें से मैंने इसमें डाल के और फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मतलब मेरे ये आलू हो जाएंगे तैयार। इधर मतलब ये आलू भी तैयार है, उधर फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी आटा, और अभी इसमें पहले डालती हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया मैं थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खा, बच्चे कम पसंद करते हैं, और खासकर ये लड़की तो बोलते हैं कि मुझे ग्रीन ग्रीन पसंद नहीं है, इसको हटाओ इसमें से, तो मैं इनकी वजह से थोड़ा कम ही डालती हूँ, बच्चों की जब किसी को पसंद नहीं है फिर बच्चे मन लगा के खाते नहीं ना किसी चीज़ को। तो इधर आलू तो भून के तैयार हो गए, और ये इसमें धनिया भी मैंने डाल के मतलब इसको अच्छे से चला के अभी मैं इनको ढक के रख दूँगी। ये आलू मेरे मतलब तैयार हैं बिल्कुल, और इतनी क्वांटिटी बहुत है। इधर ये घी भी पक गया, अब तैयारी करती हूँ मैं ये आटा बनाने की। इसमें मैं मतलब पहले आलू मैश करके हाथों से ही मैश करके और इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम आती है, पानी मतलब जब आलू के साथ इसका आटा बनाते हैं ना तो पानी की क्वांटिटी बहुत नाम मात्र को आती है, जितना आटा था उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ी सी आती है। अगर ये पतला हो जाएगा तो फिर बनना भारी हो जाएगा, क्योंकि इसका आटा जो है आलू के साथ ही बनता है और इससे ये सॉफ्ट हो जाता है आटा। तो मैं अभी यहाँ आटा बना के तैयार कर लूँगी, और इस आटे को ना हम बनाने के बाद मतलब ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, जैसे गेहूं के आटे को तो हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं ना, तो इस आटे को ज़्यादा देर के लिए रखा नहीं जाता, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाता है, फिर कम से कम 10 मिनट के बाद ही इसकी बनानी भारी हो जाती है। और अब यहाँ आटा बन गया था, सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे मतलब गाय की रोटी, जिससे माता रानी को भोग लगेगा पहले, और फिर वो जाएंगी रोटी मतलब गाय को, और इस छोटी छोटी दो रोटियाँ बनाऊँगी मतलब पराठे, और मैं ये देसी घी के में ही बना रही हूँ ये पराठे भी मतलब, और ये गऊ माता के और माता रानी के पराठे बना के फिर माता रानी को भोग लगा के फिर क्या है वो मतलब वो गाय को देने जाऊँगी, और गाय भी यहाँ आसपास तो है नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, और उसके बाद मतलब मैं आके फिर अपने और बच्चों के लिए बनाऊँगी, और फिर सबसे लास्ट में मतलब हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, क्योंकि फिर गेहूं के आटे का काम होगा, तो इससे पहले कुट्टू का जो बनेगा उसका पहले काम ख़त्म करूँगी मतलब यहाँ से, और उसके बाद मतलब हस्बैंड के लिए बनाऊँगी फिर रोटियाँ। और तभी तो मैं मतलब बना रही हूँ ये गाय के पराठे, घी ये मैं घी से ही बनाऊँगी, क्योंकि जैसा मैं खुद खाऊँगी तो वैसे ही मैं भगवान जी के लिए भी और गौ माता के लिए बनाऊँगी। तो ये मैं थोड़े छोटे छोटे ही बनाती हूँ मतलब पराठे जो गौ माता को देने के हैं, अपने लिए भी ज़्यादा बड़े नहीं बनाती, ठीक है मतलब मीडियम साइज़ है। अभी मैं इस आटे को ढक के रख दूँ, क्योंकि पहले मैं ये गाय के पराठे बना के और फिर माता रानी को थोड़ा ठंडा करके और माता रानी को भोग लगा के उसके बाद पहले गाय को दे के आऊँगी, फिर उसके बाद आके बनाऊँगी मतलब बच्चों के लिए भी, और फिर उसके बाद ना खाएंगे रात का मतलब हम कुट्टू का जो हमारे व्रत का खाना है। अरे एक तो सिंपल सा खाना होता है और मतलब अच्छा लगता है खाने में बहुत, पर ये कह रहे हैं इसको लेट खाने से ना थोड़ा हैवी हैवी फील होता है, फिर मतलब परेशानी सी होने लगती है, इसलिए थोड़ा
या तो हम फिर इसको अगर लेट खा रहे हैं तो हमें थोड़ा कम खाना पड़ता है ये, मतलब अपनी भूख के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब थोड़ा जल्दी खाओ इसको। तो अभी मैंने मतलब बना के माता रानी को भोग लगा के कुछ देर उनके पास रख के ये, फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं गाय को देने। और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, काफ़ी अंधेरा हो गया है। मतलब अभी ये जो गाय को हम देने के लिए जा रही है, हमारे इससे जहाँ पे हम रहते हैं मतलब थाने में, उसके थोड़ा आगे जाके ही एक घर है, उनके पास गाय है, तो मतलब वहाँ देने जाना पड़ता है फिर हमें। कभी कभी तो क्या होता था कि थाने के अंदर ही मतलब गायें घूमते हुए आ जाती थी ऐसे ही, बट अभी वो कोई आ भी नहीं रही है कुछ टाइम से, तो इसलिए हम यहाँ गौ माता को पराठे देने के लिए आ गए। जो भोग था हमने बनाया था, और ये किसी के घर में मतलब यहाँ पास में ही बंधी हुई थी गायें, तो हम वहीं पे देने के लिए गए, मैं और यशु ही जा रहे थे। और अब हमने गौ माता को खिला दिया, उसके बाद मैं वापस से घर आ गई। और बच्चों के लिए पहले मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी। मतलब बच्चे खा लेंगे पहले, तो फिर अपना पता रहता है ना कि मुझे अपने लिए कितना बनाना है। अब बच्चे धीरे धीरे खाते रहते हैं तो ऐसे पता नहीं चलता, और एक साथ सारे मैं बना के रख नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि हाँ भाई कितने बनाने हैं, फिर वो बच्चे रहते हैं बाद में। तो इसलिए पहले मैं बना के मतलब बच्चों को देऊँगी, बच्चे अगर पहले खा लेंगे तो फिर ये भी नहीं होता कि मतलब हाँ सबसे पहले मैं ही खा के बैठ गई। तो इससे अच्छा तो मतलब पहले बच्चों को खिला दो, चाहे वो एक दो जो भी खाएं। तो पहले यहाँ पे ना यशु बोल रही है कि मुझे खाना दे दो, सबसे पहले मैं यशु को दूंगी। और आज तो वैसे भी फर्स्ट नवरात्रा है, तो बच्चे मतलब इसको पूरे शौक से खाएंगे। कुट्टू का शौक योग्य को बहुत है, योग्य तो मतलब पहले से ही, जब तक हम नवरात्रे रहते हैं तो हमारे साथ सात के सात दिन कुट्टू ही खाएगा शाम में। और यशवी को तो अभी तक मतलब इतना कुछ था नहीं पता कि हाँ मतलब भाई कुट्टू पहले भी खाया होगा उसने, तो उसके तो इतना याद नहीं रहा कि, तो इसलिए उसको पड़ा मतलब पूरा वो लग रहा है शौक़ की, पता नहीं कुट्टू कैसा है खाने में। तो बोल रहे कि सबसे पहले मुझे दो, तो मैं पहले उसके लिए बना रही हूँ यशु के। और फिर क्या होगा ना कि वो एक या दो दिन खाएगी इसको शौक़ से, और फिर मतलब उसका मन सा भर जाता है। फिर एक अभी कभी क्या करती हूँ, आज तो मैं पराठे बना रही हूँ, और कभी कभी मतलब जैसे ये होता है ना कि पराठे खा के 2-3 दिन हो गए, मतलब बोर से हो गई कि खाना को, तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ फिर ना पकौड़ी बना लेती हूँ कुट्टू की, या फिर किसी दिन मतलब पूरी। तो मैंने अभी इसमें एक जैसे दो एक दिन पूरी बना ली, कभी एक दिन मतलब पकौड़ी बना ली, और एक दिन पराठे बना लिए। इस तरह मतलब अलग अलग से बच्चों को भी थोड़ा डिफरेंट लगता है, ये नहीं कि हाँ मतलब डेली एक ही चीज़ खाने को मिल रही है कुट्टू से बनी हुई। तो इधर मैं पहले यशवी का खाना लगा रही हूँ, उसके लिए मैंने आलू रख तो दिए, पर वो आलू खाती ही नहीं, पता नहीं क्या, एक तो उसमें हरा धनिया डलता है ना, तो उसकी वजह से नहीं छेड़ेगी उनको, तो खा क्या करेगी वो कि मतलब दही में नमक डाल के उससे खा लेगी लगा के। तो मैंने वैसे दे दिए उसको, यशु को आलू भी और दही भी, और पहले मतलब मैं पराठा उसी को दूँगी, वो मेरी कन्या जी है, वो जिमेगी पहले, तो फिर उसके बाद भाई लास्ट में मैं खाऊँगी। तो इधर ये मैडम बैठी हैं, इसके लिए मैंने मतलब बना दिया, पहले इसको दिया, इसको हाफ ऑफ कर दिया क्योंकि गर्म हो रहा था। और मैं इसको अभी यहाँ बोल रही थी कि फ़ोन साइड कर दे, पहले खाना खा ले, नहीं तो फिर वो फ़ोन में अगर लगे रहते हैं ना तो खाने का पता नहीं चलता कि कहाँ पे गिर रहा है कहाँ पे नहीं। और इधर मौसम इतना गंदा हो रहा था ना शाम के टाइम, अभी मतलब इतनी तेज़ हवा थी कि पता नहीं कहीं से पत्ते, और ये किसी ने आग वाग जलाई होगी ना, तो उसकी राख जो थी वो सब उड़ गया हमारे मतलब घर के, घर में अंदर आ गई। और इधर मैंने ये मतलब पूजा होने के बाद शाम की, फिर उसके बाद ये सब बर्तन वर्तन मतलब धुल के रख दिए सुबह के लिए, इससे मुझे आसानी हो जाती है सुबह, फिर एक काम कम मिलता है। और इधर हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने, मतलब मैंने पहले उनके लिए आलू ही बनाने वाली थी जीरे के, पर फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया, फिर बोले कि मेरे लिए रायता बनाना, उनको रायते का शौक है, तो मैंने फिर उनके लिए मतलब ये आलू का रायता बना दिया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को हमारा व्लॉग, और बताना ज़रूर कमेंट करके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बाय।